तेलुगु वॉरियर्स के लिए। काफी सारा डिस्कशन चल रहा है बिकॉज ही डेफिनेटली वांट्स हिज फील्डर्स टू बी इन द राइट प्लेस एंड व्हाई नॉट। एक अच्छा एफर्ट था पिछले ओवर के अंदर बट नकारा गया, नॉट आउट दिया गया अंपायर, थर्ड अंपायर द्वारा। उसके बाद आई एम श्योर जॉय जो है और देवराज दोनों ही ये मौका जरूर इनकैश करना चाहेंगे। दे हैव बीन लकी इनफ टू गेट अ रिप्रीव, दे वुड वांट टू मेक इट काउंट। रैंक ऑफ बैड बॉल थी, हाफ ट्रैक। आई एम श्योर बहुत ही नाखुश होंगे जॉय, क्योंकि जो बॉल चौका जाना चाहिए था वो सिर्फ एक सिंगल में बदला गया। वही मैं कह रहा था आपको कि जॉय को जो मौका मिला उसके बाद उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब आपको बोनस मिला, ये दूसरी बारी आपको मिल रही है, आप आउट थे, अब बच गए। फिर से मुझे लगता है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलने की सोच नहीं रहे हैं और आपको हर ओवर में एक ही बैट बॉल मिलेगी। जोर शोर से तेलुगु सपोर्टर्स बैठे हैं और बिग ब्रदर फाउंडेशन के बारे में आपको एक और बार बता दें, जो सीसीएल में बनेगा उसके लिए 1,000 रुपीज बिग ब्रदर फाउंडेशन जो है सचिन जोशी की, वो 100 हार्ट्स फाउंडेशन को वो डोनेशन देगी क्योंकि गरीब बच्चों के इलाज में काम आएगा। तो हैट्स ऑफ टू देम। और मैं तो चाहता हूं कि रन बनते चले जाएं। आज हालांकि एक लो स्कोरिंग मैच फैला हुआ है और कल हाई स्कोरिंग दिन था मुंबई से, सेकंड मैच भी अभी तक ज़्यादा रन नहीं बन पाए। औसतन अगर आप देखें 170-175 की भी औसत पकड़ें तो लगभग 3.5 लाख रुपये हर रोज़ इस फाउंडेशन के लिए जमा हो जाएंगे। Come on, Bengal, come on. बहुत सारी loose deliveries आ रही हैं आपके पास. You have to, somebody has to put his hand up and start encashing them. Joy, Debraj, दोनों ही काफी समय से मैदान के अंदर बने हुए हैं. आठवां ओवर चल रहा है. Joy 30 पर है 23 गेंदों से और Debraj 11. करीबी मामला हो सकता था अगर ये गेंद हाथ में आती तो जरूर करीबी मामला रहता। ही इज लिविंग डेंजरसली आउट देयर जॉय और मे बी ही इज जस्ट चांसिंग हिज लक वंस टू मेनी। देखिए मैं वही कह रहा था कि कभी कभी बॉल सीम पे पड़ के बाउंस अच्छा ले लेती है, विकेट कीपर के लिए मुसीबत है पर जोश पूरा है। ओ जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट, एक बड़ी देर बाद अच्छा शॉट देगा और एक भी रन नहीं उसमें, बहुत बढ़िया स्टॉप, पैर पे लगी होगी जरूर। तो 8 ओवर की समाप्ति में 46 पे